नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का ऑनलाइन स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहा जाता है दीपक की लौ की तरह ऊपर उठना हम में से हर एक की स्वाभाविक की प्रवृत्ति है। तो चलिए इस प्रवृत्ति का पालन पोषण करें। ये शब्द है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। इसलिए आप अपने जीवन में धीरे धीरे ऊपर उठते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ऑनलाइन स्पेशल यूट्यूब चैनल आपके साथ है। दोस्तों, ये विशेष तथ्य की क्लास चल रही है जिसमें हम लोग आज देखेंगे विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में। हम लोग जानेंगे कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व में से सवाल पूछ लिए जाते हैं, सीधे सीधे जो है क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, उसके नाम बताइए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन स्पेशल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक और बात, हम लोगों की जो है लाइव क्लासेस डेली चलती है 12:15 पे। तो 12:15 पर आप लाइव होना ना भूले, जिसमें हम लोग जो है टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं आपकी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो RPF हो, चाहे वो SSC हो, चाहे UP कांस्टेबल हो, चाहे अन्य परीक्षा जिसमें स्टैटिक GK पूछा जाता है, जहाँ सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उसके वस्तुनिष्ठ हम जो जो लोग लगा रहे हैं 12:15 पे। तो आप लाइव होना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग जो है भौगोलिक उपनाम के बारे में देख लेते हैं। पहले उपनाम आएंगे और फिर वास्तविक नाम आएंगे। कन्फ्यूजन ना रखें, क्योंकि याद करते करते या पढ़ते पढ़ते आपको जो है कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई उपनाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है। तो संसार की छत जो कि किसे कहा जाता है, पामिर के पठार को कहा जाता है। 1000 जिलों की भूमि फिनलैंड। मोतियों का द्वीप बहरीन। और यूरोप का बारूद का पीपा या पावर केग जो कि बालकन को कहा जाता है। लैंड ऑफ सेंटिंग सन या डूबते सूर्य का देश, तो वो ब्रिटेन है। स्वेच शहर जो है बेलग्रेड या यूगोस्लाविया को कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा सभी को पता है, केरल को कहा जाता है। स्मारक को की नगरी वियान जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है। हर्मिट किंगडम जो कि कोरिया को कहा जाता है। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट आपको जो है पॉइंट्स आगे भी मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए आप। और इसके पहले एक वीडियो और अपलोड हम कर चुके हैं जो कि महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट अनुच्छेद या आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने बताया है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूले। और साथ के साथ लास्ट 15 ईयर्स की सीरीज चल रही है, जो कि खत्म हो गई। लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए थे, वो भी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप आए, आपका RPF का, SSC का, व आने वाली एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देखना ना भूले। चाहे आप संविदा की दे रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उसको देखना ना मिले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा आखिरी बचा था आइलैंड ऑफ क्वाजो या लोंग का द्वीप किसे कहते हैं, जिंजावर या तंजानी, जिंजावर जो कि तंजानिया में स्थित है। आगे देखते हैं गार्डन प्रोविंसेस ऑफ साउथ अफ्रीका जो कि नेटाल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस जो किसे कहते हैं, स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पवन चक्कियों की भूमि। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। सूर्योदय का देश जापान। और विश्व की जन्नत पेरिस या प्रेरिस जो कि फ्रांस में स्थित है। कंगारुओं का देश सभी को पता है, कॉमन है, ऑस्ट्रेलिया। सात पहाड़ियों का नगर रोम या रोम जो कि इटली में स्थित है। रोम पे दोस्तों बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, रोम के आगे भी हम लोग देखेंगे। जैसे पोप का शहर को भी रोम को कहते हैं। रक्तवर्ण महिला द स्कारलेट वुमेन जो कि रोम को कहा जाता है। आगे देखते हैं उपनाम और वास्तविक नाम। तो उपनाम अगला है प्राचीन विश्व की सामग्री, वो भी रोम को कहा जाता है। और पश्चिम का बेबीलोन जो कि रोम को कहा जाता है। इटर्नल सिटी या होली सिटी भी रोम को कहा जाता है। तो दोस्तों, रोम के जो है बहुत सारे नाम है, इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन ना रखिए, इनको अभी याद कर लीजिए। वीडियो समझना है तो पीछे जाके वापस से देखिए, यानी आपको लर्न एक से दो बार आप देख लेंगे तो आपको चीज़ें लर्न हो जाएगी। तो अगला देखते हैं एंटिलीज का मोती जो कि क्यूबा को कहा जाता है। शुगर बाउल या चीनी का कटोरा ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को कहा जाता है। तो ये दोनों नाम किसके, क्यूबा के हैं। गगनचुम्बी इमारतों का देश सभी को पता है या नगर, न्यूयॉर्क USA। पर्ल ऑफ द ओरिएंट जो कि सिंगापुर को कहा जाता है।
क्वेकर सिटी जो कि फ्लोरिडा को कहा जाता, हवाओं वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो यूएसए, चीन का शोक हांगहो नदी या पीली नदी भी कहा जाता है, आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब ऑल मंडल या जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। इस पे भी जो है दोस्तों एक वीडियो बन चुका है लास्ट 15 ईयर्स का, हम लोगों ने देखा था, उसकी भी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, उसको देखना ना भूले। बंगाल का बगीचा बैंगलोर को कहा जाता है, भारत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। आगे देखते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, स्वप्निल मीनारों का वाला शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को कहा जाता है, इंग्लैंड का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, अंध महाद्वीप अफ्रीका, स्वर्णिम पेगोडा ऑफ दे का देश जो कि म्यांमार को कहा जाता है, संसार का रोटी भंडार प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, संसार का निर्जतम द्वीप जो कि त्रिस्तान डी कुन्हा को कहा जाता है, 60 टापुओं का नगर मुंबई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका जापान, इस पे जो है भारत के रिगार्डिंग भी कहा जाता है, उसको भी हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे, फॉरबिडियन सिटी जो कि लियास जो कि तिब्बत में स्थित है कहा जाता है, इंग्लैंड का बगीचा जो है कैंट को कहा जाता है, ब्लू माउंटेन जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है, केको का देश या लैंड ऑफ केक्स जो कि स्कॉटलैंड है, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क और क्वीन ऑफ एंड्रियाटी जो कि वेनिस इटली में है जो कहा जाता है। आगे देखते हैं, पूर्व का वेनिस, ये दोस्तों भारत के रिगार्डिंग बात हो रही तो वो कोच्चि को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखे कन्फ्यूजन ना रखे, विश्व का पूछा है भारत का पूछा है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो कि भूटान को कहा जाता है, लैंड ऑफ हाइट एलिफेंट्स या व्हाइट एलिफेंट्स दोस्तों सफ़ेद हाथियों की भूमि जो कि थाईलैंड को कहा जाता है, लैंड ऑफ दी थाउजेंड एलिफेंट्स जो कि लाओस को कहा जाता है, लिली का देश कनाडा, नेवर नेवर लैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो पूछते ही हैं दोस्तों, ध्यान रखिए इसको याद कर लीजिए आप, नेवर नेवर लैंड जो कि किसको कहते हैं, पेरिस ऑफ नॉर्थ को कहा जाता है, हेरिंग लो पॉन्ड जो कि अटलांटिक महासागर को कहा जाता है, वेनिस ऑफ दी वर्ल्ड स्कॉट होम को कहा जाता है, स्वीडन, गोरो की कब्र गिनी तट या पश्चिम किनारा किसका, अफ्रीका का, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर जो कि कौन सा है, क्विटो इक्वाडोर। अगला देखते हैं, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम जो कि कोरिया को कहा जाता है, लैंड लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस जो कि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन वे वूल जो कि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, और लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स जो कि फिनलैंड को कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट मिलने वाले, वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, कौन सा पॉइंट आपकी एग्जाम में आ जाए नहीं बता सकते, किसी को नहीं पता, प्री डिफाइंड नहीं है दोस्तों, तो इन सभी को आपको याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो कि नॉर्वे को कहा जाता है, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, हॉलीलैंड जेरूसलेम इसराइल में स्थित है, ग्रेनाइट सिटी एवरडीन जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है, एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को जुड़वा नगर, हैदराबाद सिकंदराबाद भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का स्विट्जरलैंड जो कि कश्मीर को कहा जाता है, डायमंड हार्बर कोलकाता, अग्निद्वीप जो कि आइसलैंड को कहा जाता है, कोयला नदी जो कि राय नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नदी के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, उसको देखना ना भूले आप, लिंक मिल जाएगा आपको, पांच नदियों की भूमि पंजाब, मैपिल का देश कनाडा। तो दोस्तों जितनी भी आई बटन पर आपको मूवी आपको वीडियो मिलेंगे उनको भी देखना आप लोग ना भूले, क्योंकि वो जो है आपके वीडियो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। आगे देखते हैं, महलों का शहर कोलकाता, निषिद्ध शहर लाहौर तिब्बत, यूरोप का रोगी टर्की, गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान भारत, मंदिर एवं घाटों का शहर जो कि बनारस है, सिटी ऑफ इंटरनल स्प्रिंग जो कि क्विंटो दक्षिण अमेरिका, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, पवित्र पर्वत फ्यूजी यामा जो कि जापान में स्थित है, विश्व का कहवा या कॉफी पात्र जो कि ब्राज़ील में स्थित है या ब्राज़ील को कहा जाता है, विश्व की कहवा मंडी जो कि कहाँ पर है, साओ पालो में, तेल की नदी जो कि नाइजीरिया नदी या अफ्रीका को तेल की नदी भी कहा जाता है, पवन चक्कियों का देश हॉलैंड को कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये उपनाम जो है उनको इस नाम से भी जाना जाता है, चीज़ों अब कन्फ्यूजन ना रखें, उपनाम में और उसके नाम में दोनों को जो है आगे पीछे पूछ लिया जाता है,
आपको या तो उपनाम दे देंगे और उसका नाम बताना पड़ेगा, या ये दे देंगे, तो वाइस वर्सा है दोस्तों। तो दोनों को याद रखना, ध्यान रखना। आप आगे देखते हैं बिहार का शोक। सभी को पता है कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। उत्तर का वेनिस, स्कॉटहोम, पूर्व का स्कॉटलैंड, मेघालय, या भारत को मेघालय जो कि भारत में स्थित है कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ, अरब सागर की रानी कोचीन, शानदार दूरियों का शहर वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कंबोडिया का शोक, मीकॉन्ग नदी, लैंड ऑफ मार्बल इटली, मरकत द्वीप आयरलैंड, और सोवियत संघ का मैनचेस्टर इवानोवो को कहा जाता है, या इवानोवो को सोवियत संघ का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। पूर्व का मोती श्रीलंका, और रक्त श्वेता जो कि रोम, या द स्कारलेट हो और जो कि रोम को कहा जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और टाइम आप ध्यान रखिए, 12:15 पर हम लोग जो है लाइव होंगे। डेली टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आपके पास हो। जय हिंद दोस्तों।